तो आप देख सकते हो अभी नॉर्मल है, तो अभी हम लोग हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था NH 200 के इंजन रीबिल्ड के ऊपर, तभी हम लोग ने टैपेट का जो क्लियरेंस है वो सेट नहीं किया था, और उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि टैपेट क्लियरेंस का एक वीडियो जरूर चाहिए उनको। तो गाइस, टैपेट क्लियरेंस जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इंजन लाइफ के लिए भी, और एज अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में भी वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और टैपेट हम लोग को हमेशा सेट करना ही चाहिए। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारी NH 200 जो हम लोग का AC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट था वो मैंने रिप्लेस कर दिया एक्रोपोविक से, तो अभी फिलहाल के लिए मैं यही यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा साइलेंट है एज कम्पेयर टू AC प्रोजेक्ट। बट गाइस, जैसे हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे NH 200 के ऊपर, तभी मैं AC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगा दूंगा। उसके बाद हम लोग गाइस इंजन पे देखेंगे, तो इंजन पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है जैसे कि ऑयल लीकेज या कुछ और, तो गैसकेट सारे जो चीज हम लोग ने सब नए लगाए थे, और हम लोग को एक ही काम बचा है इसमें जो कि है टैपेट सेटिंग, जो हम लोग को इंजन हेड में करना पड़ता है। तो गाइस, ये टैपेट क्लियरेंस कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको अभी तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मोटरसाइकिल के हेड का जो कवर है वो निकालने के बाद ही मैं आपको समझा पाऊंगा कि टैपेट क्लियरेंस एक्चुअली होता क्या है। तो गाइस, सबसे पहला जो चीज है हम लोग को हेड एसेस करने के लिए, कोई भी मोटरसाइकिल का हम लोग को टैंक निकालना ही पड़ेगा, तो ये वाला वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट सारे मोटरसाइकिल्स के लिए। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इसका सीट रिमूव कर देते हैं, तो अभी हम लोग इसका जो साइड पैनल है वो रिमूव कर देते हैं। गाइस, टैंक को रिमूव करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे एक बोल्ट है, फिर यहाँ पे एक बोल्ट है, फिर यहाँ पे फ्रंट में आप देख सकते हो, तो ये बोल्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे एक 10 mm का बोल्ट है, और सेम यहाँ पे एक 10 mm का बोल्ट है, तो हमारा जो टैंक है वो रिमूव हो जाएगा। बट गाइज, अगर मोस्ट ऑफ द पल्सर्स में देखोगे जो ओल्ड मॉडल के आते थे उसमें एक ही बोल्ट रहता है, उससे डायरेक्ट आपका टैंक निकल जाता है। तो गाइज, अभी आप देख सकते हो हम लोग को कंप्लीट हेड जो है हमारा सेक्शन वो पूरा विजिबल है, तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग का मोटरसाइकिल का हेड है, उसके ऊपर जो है ये हेड का कवर है, तो जस्ट हम लोग को ये हेड का जो कवर है 4 bolts निकालने। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बीच में, तो हमारे यहाँ पे 2 rocker arms है, ये इंटेक के रॉकर आर्म है और ये एग्जॉस्ट के रॉकर आर्म है, और बीच में अगर आप देखोगे तो बीच में हमारा कैमशाफ्ट है और यहाँ पे रोलर्स है। तो गाइज, ये जैसे ही कैमशाफ्ट घूमता है तो ये हमारे इंटेक वाल्व पे ऐसा प्रेस करते हैं, तो तभी दोनों वाल्व हमारे जाके ओपन होते हैं, और जब एग्जॉस्ट का प्रोसेस चालू रहता है तभी ये एग्जॉस्ट वाल्व प्रेस होते हैं। तो अगर आपको पता नहीं तो अभी मैं आपको स्टार्ट करके बता देता हूँ इंजन। तो गाइस, सबसे पहले चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक मार्किंग दिया हुआ है T, और यहाँ पे एक स्लाइड मार्किंग रहेगा और यहाँ पे एक स्लाइड मार्किंग रहेगा, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम पल्सर्स में ये मार्किंग रहता ही है। तो सबसे पहले आपको ये मार्किंग पे लेकर आना है, ये मार्किंग का मतलब है कि इंजन TDC पे है, मतलब टॉप डेड सेंटर पे है। तो अगर ये मार्किंग नहीं आ रहा है तो आप 12 mm का एक सॉकेट ले सकते हो और जस्ट न्यूट्रल पे रख के इंजन को घुमा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैं घुमा रहा हूँ तो ये टाइमिंग चेन भी घूम रहा है, तो मैं ये मार्क पे लेके आ जाता हूँ सबसे पहले। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोग ने मार्क पे लेकर आ चुके हैं, जैसे हम लोग पहले लेके आए थे, यहाँ पे T लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 slides है। तो गाइज, अभी मैं आपको बताता हूँ कि टैपेट क्लियरेंस एक्चुअली होता क्या है। स्टेम के एकदम टॉप पे अगर आप देखोगे तो हमारे ये रॉकर आर्म्स है, तो रॉकर आर्म और स्टेम के बीच में जो क्लियरेंस होता है वो होता है टैपेट क्लियरेंस। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का टैपेट क्लियरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये हैमर के जैसे आवाज करेगी जो हम लोग को टिक टिक साउंड सुनाई देता है। तो अभी आप देख सकते हो इसमें 2 चीजें रहती है, एक तो आपका टैपेट लूज रहेगा ज्यादा, एक तो आपका टैपेट काफी टाइट रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका टैपेट लूज रहेगा तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, आपका वाल्व जो है वो काफी लेट ओपन होएगा और जल्दी से क्लोज हो जाएगा, मतलब वाल्व को ओपनिंग के लिए काफी कम टाइम मिलेगा क्योंकि इधर क्लियरेंस ही बहुत ज्यादा रहता है और इसमें आपको प्रॉपर पावर नहीं मिल पाएगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं और बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट दिन बर दिन ग्रो होता जा रहा है और दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से काफी ज्यादा सेफ है। एलॉन मस्क जो टेस्ला के CEO है, उन्होंने $100 crore का प्रॉफिट कमाया बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके, और आप भी अभी टेस्ला कंपनी की जो कार्स है वो बिटकॉइन से बाय कर सकते हो। और आज से 1 महीने पहले बिटकॉइन की कीमत थी 22 lakh rupees और अभी जो कीमत है बिटकॉइन की वो है 40 lakh rupees, मतलब ये 1 महीने में 18% बढ़ गया। और बात करें 1 साल पहले की तो बिटकॉइन में 759% का ग्रोथ हुआ है। बट कैसे हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वेल हम लोग इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट और ट्रेड करना काफी आसान है और इसमें इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट ऐप है कॉइन स्विच कुबेर। इसमें आप बिटकॉइन ही नहीं 100
100 प्लस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट गाइज एक बिटकॉइन की जो कीमत है वो 40 लाख रुपीज है, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। बट टेंशन की कोई बात नहीं है, इस ऐप में आप 100 रुपीज से आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, फिर उसमें से प्रॉफिट कमाओ और वापस से इसमें इन्वेस्ट कर दो। ये ऐप एकदम जेन्युइन है और आप अपने पैसे को इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो। इस ऐप में लॉग इन करते टाइम KYC करना होता है, जो कि इंस्टेंटली हो जाता है। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अगर आपको बाय करना है तो बाय पे क्लिक कीजिए और अगर आपको सेल करना है तो सेल पे क्लिक कीजिए। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो अगर आप वहां से डाउनलोड करते हो तो आपको 50 रुपीज का जो बिटकॉइन है वो फ्री मिलता है। बिटकॉइन आपको हाई रिटर्न्स देंगे बट इसमें ह्यूज रिस्क भी है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अच्छी तरीके से मार्केट को स्टडी कीजिए, स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे आप आपका अमाउंट भी बढ़ा सकते हो और आपके रिटर्न्स भी बढ़ा सकते हो। तो सोचना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए। और अगर आपका गाइस टैपेट काफी ज्यादा टाइट रहेगा तो आपका वैल्व जो है जल्दी ओपन हो जाएगा और क्लोज जो है वो लेट होगा, तो इसमें क्या होगा आपको पावर का लॉस बहुत ज्यादा मिलेगा, प्रॉपरली गैस जो हमारा कंबस्ट नहीं हो पाएगा। टिप देना चाहूंगा, हमारा इंजन अभी ठंडा है तब भी आपको टैपेट क्लियरेंस करना चाहिए, क्योंकि टू वैल्व का जो है थर्मल एक्सपांशन होता है, मतलब जब भी इंजन गर्म रहता है थर्मल एक्सपांशन की वजह से हमारे वैल्व जो है वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो गाइस पल्सर वाले लोगों ने एक स्टैंडर्डाइज टैपेट सेटिंग दिया हुआ है, इनटेक वैल्व के लिए 0.05 mm और एग्जॉस्ट वैल्व के लिए 0.08 mm। तो अभी आप सोच रहेंगे कि एग्जॉस्ट के लिए इतना ज्यादा टैपेट क्लियरेंस क्यों है और इनटेक के लिए इतना कम क्यों है। तो गाइस एग्जॉस्ट वैल्व में जो है एग्जॉस्ट गैसेस पास होते हैं तो ज्यादा गर्म हो जाता है, तो आपको पता रहेगा मेटल जब भी गर्म होता है तो एक्सपांड होने लगता है, तो हमारे ये जो वैल्व के स्टेम्स है ऊपर के ही होने लगता है, और जब भी इंजन हीटिंग टेम्परेचर पे आता है तो टैपेट क्लियरेंस जो है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है और प्रॉपरली सेट हो जाता है। ऊपर एक एडजस्टर दिया हुआ है जिसके मदद से हम लोग ये ऊपर भी ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक लॉक नट दिया हुआ है जिसके मदद से हम लोग ये टैपेट को लॉक कर सकते हैं। बट गाइज अभी आप सोच रहेंगे कि हम लोग 0.05 mm और 0.08 mm सेट कैसे करें, तो वो टाइम पे मदद करने वाला है हमारा फीलर गेज। स्टैनली का फीलर गेज मैंने लिया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये ब्रांड का फीलर गेज लेना है। तो इसमें जो है अलग अलग पट्टी रहती है 0.04 mm से लेके 1 mm तक, तो इससे आप आपका स्पार्क प्लग का गैप भी चेक कर सकते हो और हमारा जो टैपेट क्लियरेंस है वो भी सेट कर सकते हो। और अगर आपको ये बाय करना रहेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ऐसा आपको कुछ मिलेगा जिसमें बहुत सारे ब्लेड्स रहते हैं, 1 mm से स्टार्ट है, फर्स्ट हम लोग को 0.04 mm मिलता है, फिर उसके बाद 0.05 mm। तो 0.05 mm जो है हमारे इंटेक वैल्व का है क्लियरेंस, तो ये मैं निकाल देता हूँ बाहर। तो ये जो पट्टी है ये आप ये वैल्व स्टेम के टॉप पे और रॉकर आर्म के इधर लगाना है आपको, और अभी मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ, ज़्यादा भी ये टाइट नहीं रहना चाहिए पट्टी, ज़्यादा भी नहीं लूज रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये अभी नॉर्मल है, तो अभी हम लोग इसको टाइट कर देते हैं, तो इतना क्लियरेंस सही लग रहा है मुझे। और अभी यहाँ पे भी हम लोग सेट कर लेते हैं क्लियरेंस, तो आप देख सकते हो पट्टी भी काफी बराबर जा रही है, ज्यादा टाइट भी नहीं है और ज्यादा लूज भी नहीं, प्रॉपर है। ले लिया है, वेल का थोड़ा ज्यादा रहता है टैपेट क्लियरेंस जैसे मैंने आपको बताया था। तो सारे जो अभी लॉक नट्स है उसको हम लोग अभी टाइट कर देते हैं। तो फिर से हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि टैपेट क्लियरेंस प्रॉपर है कि नहीं। तो यहाँ पे 0.05 mm सही है, तो आप देख सकते हो क्लियरेंस ऐसा रहना चाहिए एकदम प्रॉपर। अभी आप देख सकते हो हैमरिंग का आपको जरा सा भी साउंड नहीं आएगा, तो हल्का सा एकदम आप देख सकते हो क्लियरेंस है। तो जब ये वैल्व लंबे हो जाएंगे, मतलब हीट के वजह से थोड़े लंबे हो जाएंगे, तो ये क्लियरेंस भी खत्म हो जाएंगे। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं गाइस, ये साइड का जो ऑयल है यहाँ पे आए ये सब क्लीन कर देते हैं, हेड का कवर लगा लेते हैं। तो अभी हम लोग ने जो मोटरसाइकिल है वो कम्प्लीटली पैक कर दिए, तो अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ इंजन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा जो आपको साउंड आता रहेगा वो इंजन का ही साउंड है, क्योंकि क्रैंक पे भी थोड़ा सा पटका गिरा था पहले जब हम लोग का इंजन सीज हुआ था, बट टैपेट का जो साउंड है ऐसा कुछ ज़्यादा साउंड आ रहा नहीं है। तो आप देख सकते हो ऐसा साउंड है, स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको बताया था टैपेट क्लियरेंस जस्ट एक थर्मल एक्सपांशन की वजह से होता है, जो वैल्व हमारे बड़े हो जाते हैं
इसके वजह से छोटा सा क्लियरेंस हम लोग को रखना पड़ता है। जब भी इंजन वर्किंग टेम्परेचर पे आ जाता है वो क्लियरेंस भी एकदम कम हो जाता है और टैपेट जो है हमारा एकदम प्रॉपरली। सारी कंपनीज का अलग रहता है, जैसे आपने मेरे वैल्व पे देखा वैल्व स्प्रिंग्स है, तो कोई कोई कंपनीज में वैल्व स्प्रिंग्स भी नहीं रहते, जैसे डुकाटी के मोटरसाइकिल्स देख लो उसमें वैल्व स्प्रिंग्स रहते ही नहीं, और हार्ली डेविडसन के कोई कोई मोटरसाइकिल में न्यूमेटिक स्प्रिंग्स रहते हैं। तो अलग अलग सब डिजाइनर के ऊपर है। बट गाइस कॉइन स्विच कुबेर का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो गिव इट अ थम्स अप। सो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच लव टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।